सो Mi 11X घर में पड़े हुए इसे 90 दिन से भी ऊपर हो गया है एंड इस फ़ोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करने के लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि जितने भी लगभग 10 साल से मैं प्राइमरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो MIUI पे चल रहे हैं, तो MIUI से थोड़ा सा कंफर्टनेस है मेरा। लेकिन ये जो फ़ोन है मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस नहीं यूज़ कर पाया बहुत टाइम पहले, एज अ सेकेंडरी फ़ोन अब यूज़ कर रहा हूँ, और अब मेरा प्राइमरी फ़ोन जो है बहुत टाइम से IQ 7 है। तो ये क्या रीजंस हुए कि भाई उस फ़ोन पर शिफ्ट हुआ और इस फ़ोन को मैंने दो बार ऑर्डर किया, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा एक यूज़र एक्सपीरियंस रिव्यू होने वाला है कि मेरा जो एक्सपीरियंस था यूज़र बनके वो कैसा रहा इस फ़ोन को, क्योंकि मैं प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, एंड कहीं पे भी पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत क्लोज है हम 1 लाख सब्सक्राइबर के, तो जल्द से जल्द करवा दो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से, क्योंकि MIUI सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है, लेकिन ये फ़ोन भाई बहुत ही क्लीन सॉफ्टवेयर के साथ आता है। जैसे आप पहली बार इस फ़ोन को ऑन करोगे तो बिल्कुल भी ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता। फेसबुक और लिंक्डइन है जो मेनली ब्लोटवेयर मेरे को देखा था, एंड उसे भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड उसके बाद फ़ोन ऑलरेडी बहुत क्लीन हो जाएगा। लेकिन MIUI 12.5 के बाद अगर सेटिंग्स में जाओगे तो अब आप जो है सिस्टम ऐप्स को रिमूव कर सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं रिमूव कर सकते हो, आपको होम स्क्रीन या कहीं पे भी वो दिखेंगे नहीं, उसकी वजह से फ़ोन और ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो ब्लोटवेयर और ऐप्स के मामले में फ़ोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लीन है, एंड एड्स भी कहीं देखने को नहीं मिले मुझे, कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी वल्गर एड्स जिसे कहते हैं वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती इस फ़ोन में। तो फ़ोन क्लीन है, कोई भी इशू नहीं आया, और सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी बग्स नहीं मिले। MIUI 12 ऑलरेडी इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, लेकिन MIUI 12.5 आने के बाद एनिमेशंस, ऐप लॉन्चिंग टाइम, UFS 3.1 स्टोरेज होने की वजह से और ज़्यादा फास्ट हैं। एनिमेशंस बहुत ही स्मूथ हैं और 120 हर्ट्ज़ के साथ और ज़्यादा फास्ट फील होते हैं। ऐप्स के बीच में स्विच करना बहुत ज़्यादा स्मूथ है, नेविगेशंस बहुत स्मूथ है। तो MIUI अभी तक जितना मैंने यूज़ किया काफ़ी क्लीन है, ब्लोटवेयर फ्री है, बग फ्री है, एंड फ्यूचर का तो नहीं कह सकते लेकिन 90 दिन से अभी ऊपर हो गया है, एंड अभी तक भाई ऐसा फेस नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बगी है MIUI, और बहुत ही क्लीन और कमाल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिला मुझे। एंड एज ये यूज़र रिव्यू है तो बाकी यूजर्स क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। तो Amazon पे गया और जिन लोगों ने भी 1 स्टार दिया है उन सारे रिव्यूज़ को मैंने पढ़ा, एंड मेनली 6 रीज़न है या 6 कॉमन चीज़ें देखने को मिली जो जिन्होंने भी 1 स्टार दिया है उन सब में ये लगभग कॉमन था। और वो है कि डिस्प्ले में उन्हें टिंट इशू मिल रहा है, टच इशूज़ मिल रहे हैं डिस्प्ले के अंदर, कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, हीटिंग इशूज़ मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ काफ़ी ख़राब देखने को मिलती है उनके हिसाब से, एंड इवन आखिरी स्पीकर्स काफ़ी ख़राब मिलते हैं। तो ये 6 चीज़ें हैं जो उनके हिसाब से हैं, एंड इस वीडियो में उन सारी 6 चीज़ों को कवर करते हैं एक बाय एक करके। तो डिस्प्ले टिंट इशू, इसकी वजह से 2 बार ऑर्डर करना पड़ा है फ़ोन। तो डिस्प्ले टिंट इशूज़ जब मैंने नया नया फ़ोन लिया था, तब आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो Mi 11X सेलेस्टियल सिल्वर में ऑर्डर किया था, जो कलर शिफ्ट होता रहता है वो वाला कलर लिया था, एंड बहुत सही कलर है वो, लेकिन उसमें मुझे डिस्प्ले में काफ़ी टिंट इशू मिले। और टिंट इशू हल्का सा एक्सप्लेन करूँ तो डिस्प्ले में अगर आप ग्रे बैकग्राउंड लें और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा नीचे कर दें तो कहीं कहीं से डिस्प्ले पिंक या ब्लू हो रही है, एंड दिखने में जब रात को आप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब लगती है। Amazon वालों ने रिप्लेस नहीं किया, सर्विस सेंटर वाले रीसेट मार के दे देते थे, तो मैंने उसे सेल कर दिया एंड उसके बाद दोबारा से ऑर्डर किया। अभी लूनर वाइट ऑर्डर किया है एंड इसमें भी वही सेम टिंट इशू है। काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट किया था, इस वजह से मैंने दोबारा ऑर्डर किया Mi 11X। मैंने सोचा हो सकता है मेरे ही यूनिट में इशू हो, लेकिन उसमें भी जैसे कमेंट किया था, आई होप इसमें भी कमेंट में आएगा कि उन्हें कोई टिंट इशू नहीं मिल रहा है। बट या तो मेरी किस्मत ख़राब है या उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि उन्हें टिंट इशू नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली जैसा 1 स्टार उन लोगों ने दिया है मैं भी इसे डिस्प्ले जो टिंट इशू है उसकी वजह से 1 स्टार ही दूंगा। रात में अगर ग्रे बैकग्राउंड कुछ भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही बुरा लगता है। सेकंड जो लोगों ने 1 स्टार दिया है वो है टच इशूज़ की वजह से, एंड इस फ़ोन में मुझे अभी तक कोई टच इशूज़ फेस नहीं हुए, और बहुत ही अजीब लगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने 1 स्टार दिए हैं, तो हो सकता है कोई रीज़न तो डेफिनेट होगा। लेकिन मैं BGMI 4 फिंगर से ही खेलता हूँ, एंड ये मल्टी टच वाला टेस्ट करके दिखाऊँ तो आपको बहुत ही स्मूथ इंटरफेस देखने को मिलता है, कहीं पर भी ग्लिच नहीं हो रहा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव देखने को मिल रहा है। उंगलियों के आसपास बीच में से निकाल के भी लेके जा रहा हूँ तो भी कोई ग्लिचीनेस नहीं हुआ है, तो टच इश्यूज अभी तक मुझे फेस नहीं हुए और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस फेस हो रहा है। तो ये चीज़ तो मैं कैंसिल आउट करूंगा, यहाँ पे 1 स्टार देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो दी है वो है कैमरे के लिए, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से, और इसकी वजह से मेनली मैं शिफ्ट हुआ IQ 7 पे, कि कैमरा इतना अच्छा नहीं है स्पेशली लो लाइट में। अगर आपको IQ 7 से साइड बाई साइड कंपेयर करूँ तो ये सेल्फी आप देखोगे कितनी ज़्यादा ब्राइट आ रही है और कितनी ज़्यादा डिटेल आ रही है IQ 7 में, वहीं पर आपको यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट इमेज देखने को मिल रही है Mi 11X में। ये तो सेल्फी कैमरा हो गया, बैक कैमरे में भी सेम ही है। आप अगर ये लैपटॉप की फोटो देखोगे और कीबोर्ड देखोगे तो वहाँ पर IQ 7 में कितनी
इतनी डिटेल आ रही है उस कीबोर्ड में, बट यहाँ पे अभी भी आपको सॉफ्ट मतलब कोई भी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है कीबोर्ड के आसपास। तो मी 11X इवन लो लाइट में इतना अच्छा काम नहीं करता, बट इवन अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आईको 7 से कंपेयर करोगे तो आईको 7 थोड़ी सी ब्राइटर इमेज और बेहतर डिटेल वाली इमेज दे रहे हैं। कई लोग इस वीडियो में डेफिनेटली कमेंट करने जा रहे होंगे कि भाई जी कैम यूज़ करो, लेकिन ट्रस्ट मी इवन जी कैम यूज़ करके आईको 7 को जो स्टॉक कैमरा मिलता है उसे बीट नहीं कर सकता ये फ़ोन, और इतना अच्छा कैमरा इसमें नहीं मिल रहा है और ये डेफिनेटली 1 स्टार के हकदार है। एंड नेक्स्ट लोगों ने दिया भाई 1 स्टार हीटिंग इशूज़ की वजह से, और ये देख के भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि जिस दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई ओवर हीटिंग तो भाई इस फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिर भी स्पेशल इस वीडियो के लिए मैंने जेंशिन इम्पैक्ट जो कि बहुत हैवी गेम है उसे टाइमर के साथ 1 घंटे लगातार खेला एंड उसके बाद मैंने बैटरी और बॉडी टेम्परेचर चेक किया एंड देखने को मिलता है कि 46 डिग्री से दोनों ही नीचे हैं, तो कोई भी ओवरहीटिंग देखने को नहीं मिलती। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि स्नैपड्रैगन 870 सबसे बेस्ट थर्मल देता है और वही यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, तो हीटिंग की भी बिल्कुल टेंशन मत लेना। एंड नेक्स्ट 1 स्टार दिया है वो है बैटरी लाइफ की वजह से, 4500 mAh बैटरी है और ये स्टैट्स जो है MIUI 12.5 के बाद के ही हैं। एंड आप स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे अगर तो यहां पे अराउंड 5 आवर्स आ रही है और बैटरी लाइफ अराउंड 20% पहुंच चुकी है इस टाइम पे, तो 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है आपको। एंड इस पूरे यूसेज स्टैट्स में अगर देखोगे तो आपको कहीं पे भी कोई हैवी टास्क देखने को नहीं मिल रहा, तो एक नॉर्मल टास्क कर रहा हूं मैं, कोई भी हैवी टास्क नहीं किया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ही यूज किया है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आप नॉर्मल यूसेज भी करते हो तो सुबह चार्ज करोगे तो शाम को अराउंड 8-9 बजे आपको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यार सुबह चार्ज किया और नॉर्मल यूज कर रहे हो गेमिंग नहीं करूंगा तो अगले दिन जाके आपको चार्ज करना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको शाम को चार्ज करना ही पड़ेगा। गेमिंग के बाद तो डेफिनेटली करना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो भी आपको चार्ज करना पड़ता है। एक और चीज में यहाँ पे स्टैट्स में दिख रही है आपको कि आइडियल ड्रेन देखने को मिल रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे 8 घंटे में अराउंड 7 कुछ है, तो मतलब 1 घंटे में 1% बैटरी जा रही है, तो ये साफ इंडिकेट करता है और ये बहुत अच्छा लगता है भाई MIUI के जो स्टैट्स शो करता है कि कितनी डिटेल में होते हैं, और इससे साफ पता चलता है कि यार अपने आप फोन रखा आइडियल जो है ड्रेन हो रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, आई होप ये MIUI के अगले अपडेट में फिक्स हो जाए, बट ये आइडियल ड्रेन अगर फिक्स हो जाएगा तो आई थिंक बैटरी लाइफ थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट 1 स्टार दिया है लोगों ने स्पीकर्स के लिए, एंड ये भी बहुत अजीब लगा मुझे देख के क्योंकि स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा लाउड होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा ये डॉल्बी एटमॉस को यूज़ करना आना चाहिए। आपको ये करना है सेटिंग्स में जाके, वहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स में वीडियो टूल बॉक्स देखने को मिलेगा, उसमें आपको जो भी म्यूजिक ऐप आप यूज़ कर रहे हो या जो भी वीडियो ऐप यूज़ कर रहे हो आपको उसे सेलेक्ट कर देना है एंड मेक श्योर वीडियो टूलबॉक्स में उस ऐप में जाके डॉल्बी एटमॉस ऑन हो। उसके बाद आपको स्पीकर्स का आउटपुट और बेहतर साउंड करेंगे और बहुत कमाल के साउंड करेंगे। डेफिनेटली ईयरपीस और नीचे वाले स्पीकर एक बराबर साउंड नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको साउंड क्वालिटी दे देते हैं। वैसे एक चीज जो आईको 7 से अभी भी मैं इसमें मिस करता हूं कि इसका नेटवर्क रिसेप्शन बहुत ही अच्छा है, स्पेशली 4G+ इस पे बहुत अच्छा काम करता है, वॉइस ओवर वाईफाई वोल्टी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कॉल क्वालिटी में अभी तक मुझे इशू नहीं आया, लेकिन यहां पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है। ये क्या करता है, जब कान के पास लेके जाते हो तो अपने आप ही स्क्रीन ऑफ हो जाती है ना, वो यहाँ पे रिमूव कर दिया है और एक्सेलेरोमीटर यूज कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट को यूज कर रहे हैं। अगर आप कान के पास मूवमेंट लेके जाते हो तो हल्का सा अगर आप मूवमेंट ना करोगे तो ये कई बार बंद नहीं होता, तो ये बहुत दिक्कत आ रही है एंड इसके लिए मैं 1 स्टार देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। एंड दूसरी चीज जो आईको 7 से मैं मिस करता हूँ इस फोन की वो है इसके लुक्स, भाई बहुत ही कमाल के लगते हैं, स्पेशली लूनर व्हाइट कलर जो है बहुत ही अच्छा लगता है, व्हाइट पूरा कलर है मैट फिनिश के साथ, फिंगरप्रिंट नहीं आते, बार बार साफ नहीं करना पड़ता एंड उसके बाद जो ब्लैक मॉड्यूल है व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लुक्स स्लिम है फोन और लाइट वेट है, डेफिनेटली सिंगल हैंड से यूज करने लायक नहीं है, बहुत बड़ी डिस्प्ले है, लेकिन कंफर्टनेस है, फोन दिक्कत नहीं देगा आपको। सो ओवरऑल इस यूजर एक्सपीरियंस रिव्यू को मैं सबमिट करूं तो बहुत ही कमाल के लुक्स देखने को मिल रहे हैं, कोई भी टच इश्यूज नहीं है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले मिल रही है, कोई भी ओवरहीटिंग नहीं है, बहुत ही अच्छे थर्मल्स मिल रहे हैं और कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है लेकिन जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड है जो क्लीन है जितना और बहुत कोई मेजर बग नहीं है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है MIUI होने के बावजूद भी। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाउड मिलते हैं। एंड लास्ट जो प्लस पॉइंट है वो अभी भी मैंने रोक के रखा था एंड ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है क्योंकि इस पर एक्सचेंज रेट्स बहुत ही कमाल के मिल रहे हैं, फोन बहुत ही कमाल के रेट से जा रहे हैं आपके पुराने वाले अगर इससे एक्सचेंज करते हो। लाइक मेरा 3 साल पुराना जो है पोको F1 10,000 में जा रहा था एंड ये अराउंड 17,000 रुपये में पड़ रहा था एंड मेरे दोस्त ने ये फ़ोन 14,000 में लिया है,
तो जो नेगेटिव पॉइंट्स थे डिस्प्ले में टिंट इशू और मेनली जो कैमरा, वो 14,000 रुपये में अगर उसने फ़ोन लिया है तो ये बिल्कुल आसानी से इग्नोर कर सकता है। एंड स्नैपड्रैगन 870 14,000 रुपये नेक्स्ट लेवल डील होती है। तो यही कहूँगा कि यार अगर आप फुल प्राइस पे कर रहे हो तो आपको टिंट इशू और कैमरा इतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बिल्कुल फुल प्राइस पे करते हो 28,000-29,000। लेकिन अगर इसे एक्सचेंज करके आप 20 के नीचे या 20 तक भी ले लेते हो ना, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल डील होगी और आंख बंद करके इसे ले सकते हो। लेकिन फुल प्राइस पे करके बिल्कुल भी मत लेना, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उस प्राइस में आपको बहुत अच्छे कंप्लीट फोन्स मिल रहे हैं, जैसे नॉट 2 हो गया, आईक्यू 7 हो गया, आपको रियलमी एक्स 7 मैक्स इससे कम प्राइस में बेटर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। तो यही कहूँगा फुल प्राइस में मत देखे लो अगर आप एक्सचेंज करके कोई फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि एडिशनल 5,000 मिल रहे हैं और वो ऑफर आता जाता रहता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आपको डेफिनेटली मैं कहूँगा वेट करना, क्योंकि हर 5-6 दिन में वो दोबारा से आ जाता है और फिर से कमाल की आपको एक्सचेंज रेट्स मिलती हैं। तो वेट करना, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा जो पोको फोन था वो 8,000 में जा रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो 5,000 में जाने लग गया और कुछ दिन बाद 10,000 में जाने लग गया। तो ये फ़ोन पे एक्सचेंज रेट्स आते जाते रहते हैं, ध्यान रखना, बस डेली एक बार चेक करते रहना, और जिस दिन मिले और अगर 20,000 से कम मिले तो ले लेना इस फ़ोन को, वरना फुल प्राइस पे मैं कहूँगा कि एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज़ करने का चांस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे फोन्स और भी मिल रहे हैं। आई होप सबको वीडियो पसंद आई, और ऐसे यूज़र एक्सपीरियंस वीडियोस बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्द से जल्द 100K करवा दो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ फॉर